Assalamualaikum beautiful viewers, today we are going to start another vlog in the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. So aaj ke vlog mein hum ja rahe hain back to high school. Back to high school nahi matlab high school hi ja rahe hain kyunki main soch raha ki high school ka bhi proper thoda sa vlog ho raha hai aur aaj friday tha. Short day usually sare schools mein nahi hota, sirf hamara specific school hai ki jis qismat se hame mil jata short day. School ka to ye hai ki hamari meetings hoti hain jiski wajah se humne short day rakha hua hai. I don't know what's the reason behind it, लेकिन जो भी है हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें जुम्मे का टाइम मिल जाता है और लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर अस कि जल्दी छुट्टी हो जाए तो क्या ही बात है, सबको मज़ा आता है. और अभी मैं जा रहा हूँ इस वक्त बस पे ट्रेन पे और उसके बाद स्कूल पहुँचेंगे हम. आपको मैं सारा सफर दिखाऊंगा और सारा स्कूल की थोड़ी सी लाइफ दिखाऊंगा. आज जैसे एक शॉर्ट डे, मतलब शॉर्ट डे है उसका भी शॉर्ट डे है. वजह यह है कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं ऑनलाइन, सो टीचर हैज़ टू गो लाइक एट अराउंड 12:30 to 2:30 आई थिंक, या 1:30 अराउंड. सो उसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट डे और मजीद कर दिया जिससे फर्स्ट फाइव पीरियड्स होंगे, फर्स्ट फाइव क्लासेस होंगे. सो किस्मत वाले वो हैं जिनके फर्स्ट फाइव में कैफे आ जाता होता है, कैफे की एक पीरियड होता है हर स्टूडेंट के लिए, उनकी किस्मत है क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी स्कूल के अंदर. पहले अम्ब्रेला ली हुई है. बात किस्मत वो हैं जिनकी फाइव पीरियड के बाद कैफे होता है, मेरा सिक्स पीरियड में कैफे होता है और मेरी किस्मत ख़राब लगी हुई है. व्यू चेक करें, अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और चलते हैं वहाँ पर. और आई नेक पहनी हुई है, ठंड है, ठंड का मजाक नहीं है. मैंने मजाक किया दो दफ़ा भी मार हुआ हूँ, अलहमदिल्ला भी ठीक हूँ. और नया मोबाइल ले लिया आपके भाई ने, इसका नाम मैं आपको सीन ना एंड पे दिखाऊंगा. बिफोर गोइंग देयर लेट्स गो एंड टू द बस नाउ. I wanna see the stars shine down, and I know I can tell you how. Still loving me, and I love you, babe. The way I see you stare at me, your eyes and lips all over me. It's me into my fantasies of loving you. So near, Sundara. So near, Sundara. Sundara. और लंबे सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी पहुंच गया. आज ट्रेन टाइम पे आ गई हुई थी, लाइक जैसे ही मैं पहुंचा उसके एक मिनट बाद ट्रेन आ गई थी. दैट वाज वेरी गुड फॉर मी बिकॉज आई जस्ट हॉप ऑन द ट्रेन एंड केम हियर टू द ब्राइडन. यहाँ पर बारिश वाला माहौल है, अम्ब्रेला नहीं खुली लेकिन बारिश वाला माहौल है. बारिश हो नहीं दी इस वक्त, अभी जाते हैं स्कैनिंग करवानी है अपनी और आई डी वगैरह निकालते हैं और आना चलते हैं. ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस जिम में है, बस एंड पे बेल रिंग होने लगी और जाने लगे. मैं बैग से मार रहा हूँ और अभी मैंने मुंह थोड़ा थोड़ा तरक किया है ताकि थोड़ा पसीना सेट हो. इसके बाद मैंने जाना थर्ड फ्लोर पे, बहुत ही ऊपर जाना पड़ना है. फर्स्ट से थर्ड 1 2 3 4 5 3 4 थर्ड भी जाना पड़ना है. रश बहुत होता है, टाइम लेता है और अब चलते हैं पे और देखते हैं कि आज बहुत क्या कहानी है. टेस्ट होगा जिसे अंदर ही अल्लाह का दुआ करते हैं कि अगर ना हुआ तो देखेंगे क्या कराती है. अभी सरप्राइज डे बिकॉज अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ. आज फ्राइडे है और वो भी हाफ वाला फ्राइडे, फिर हाफ फ्राइडे एक्चुअली.
So let's see what's gonna happen now. जा रहा हूँ बस तक। आज मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी सी इंटर्नशिप करूँ, लेकिन निकी के स्कूल में सारी टीचर खुशी हो गई थी, सो आई डेंट कार्ड एन वन। सो अभी मैं जा रहा हूँ E100 बस पे, और वहाँ से होते हैं वो सीन क्या बनता है, वो मिल जाए बस पहले टाइम पे। अगर लेट हो गई तो फिर इशू हो गया होगा। सो अभी वहाँ मिलते हैं और अपने होते हैं। जी भीगा तो मैं हुआ हूँ, आपने देख तो लिया है, लेकिन बस तो अभी यहाँ पर नहीं है, सो वी हैव टू वेट फॉर इट। और वेट करके पता चलता है कि क्या सीन मिलता है वहाँ पर बस का। अभी ना एक सीन हो गया कि मैंने ना एक दो तीन के स्टॉप आ गया मुझे पता नहीं चला। मैं बैठा हुआ था, नाते लगे थे कानों में और आवाज़ नहीं आ रही थी, और बस अपने मौसम में नींद आ रही है थोड़ी सी, तो और बैठा रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं चला मैं अपना स्टॉप मिस कर गया और अब मैं पीछे जा रहा हूँ वापस। ये ना एक दूसरी थी, पहले काफ़ी अर्सा पहले हुआ था, फिर थोड़ा अर्सा बाद पहले हुआ था, और दो चार दफ़ा हो चुका है मेरे साथ ऐसे, लेकिन मैं इतना आगे कभी नहीं आया, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज ब्लॉग में आता तो सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होनी है। अब व्यू देखें थोड़ा सा, यहाँ पर व्यू थोड़ा प्यारा वो देखें, और आपको घर की तरफ पैदल को देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाल। मुझे अपने घर का रास्ता मिल गया। मैं एक तरफ उल्टी तरफ चल पा था, क्योंकि ये एक किस्म का ना पाकिस्तान के उर्दू की ज़ुबान में हम कहते हैं चौंक लगा बना हुआ है, वो बना हुआ था, राउंड ट्राइंगल अबाउट था, राउंड अबाउट नहीं था, ट्राइंगल अबाउट था, राउंड अबाउट नहीं था। तो वहाँ से मैं रूसी सड़क पर चला गया था, और वीडियो बनाने के चक्कर में वो प्यारा व्यू आ रहा था, और मैं वापस अपनी स्ट्रीट पर आया, फिल्म और एवेन्यू एंड ईस्ट 56 स्ट्रीट पर हूँ मैं इस वक्त, और इनको लव सेकंड चैप्टर पे ऑन राइट ट्रैक एंड बैक टू होम। गार्लिक नॉट्स और चीज़ स्लाइस लिए दो, और अभी घर जाकर खाते हैं, भूख बहुत लगी हुई थी, और जितनी सुबह कुछ नहीं बनाया होना इस वक्त, और अक्सर लोग सो भी रहे होंगे अमूमन, क्योंकि इट्स अराउंड 10-11 एंड भूख बहुत ज़्यादा लग रही मुझे, क्योंकि हम तो चल चल के आ रहे हैं। सो अभी मैं जाके इसको खाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, और आप अपनी जगह क्योंकि शॉप से जाके लेके आए। Let's go guys, I'm about to get to the house in 3 minutes. Alright. Aaj to Friday bhi hai, yaad aaya, oh my god. I have to go to the gym also today. Okay.
These are for a few minutes. ये मुँह हाथ धोया रहा गला के बुरी हालत हुई है. चल चल के भाई दोबारा खा खा के अभी हमको खाना खाते हैं. कोई खाते लीची स्लाइसेस और ये बारीक नॉट इस प्रकार ये थोड़ी की क्या हालत हुई भी है. तो इस वक्त मैं तैयार हो चुका हूँ. ये मैंने पहना हुआ है और इसको मैंने अभी भी अड़ा है. ये मैंने उन्होंने लेके दिया था मुझे. मैं याद है जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहा था ज़्यादा पहना नहीं होता क्योंकि बड़े अक्सर ईद वगैरह किसी मौके पर पहना जाता है और वरना इसको ओवरऑल नहीं पहनता. लेकिन जो मेरे कभी कभी भी शौक चढ़ता था मैं पहन लेता हूँ इसको. मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है ये. मैं अभी पाकिस्तान आऊँगा तो और दो तीन लेके आऊँगा इस दफ़ा. मुझे बड़ा शौक था वाइट एंड ब्लैक मिल जाए लेकिन वो मिला नहीं. काफ़ी रेयर होता आई थिंक. जी अभी थोड़ा सा बेहतर कुछ हुआ है हालात. मुझे पता नहीं क्यों ये इधर बड़े बड़े बाल इधर किए मैंने. सब नया बड़े पहली बार मेरे ख्याल से मैंने ये फैशन चलाया है. अभी मैं लगाने लगा हूँ ये वाला परफ्यूम. थोड़ा सा रह गया है. अब अल्लाह ताला दोबारा मदीना मनाएं तो इंशाल्लाह नई शीशियाँ लेके आएंगे. बल्कि इस दफ़ा तो मैं प्रॉपर उड़ दूंगा. छोटा होता जब मैं गया था हम छोटे होते थे मामा ने मुझे बड़े वाली बोतल लेने नहीं दी जो ऊद लाइट टाइप कंपनी से लेते हैं. हालांकि पिछले दिनों मैंने मंगवाए थे ऊद सऊदी अरेबिया से लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया. मामा को मैंने मंगवा के दिए बाबा को मंगवा के दिए थे उन सबको मंगवा दिए. मेरे ख्याल से पड़े होंगे. मैंने अपने लिए कुछ छोटे छोटे मंगवाए थे दोबारा से. जो छोटे छोटे होते नहीं वो मैं वो दिखाता हूँ अगर मेरे पास सभी कहीं अवेलेबल हैं. कुछ ऐसा रखा होता है मैंने अपना परफ्यूम का. ये एक पता नहीं कौन सा किसी ने गिफ्ट किया था शायद ये नेवियंस का. मैंने अभी तक एक बार ट्रायल लगाया इसको. ये देखा सुबह ने तोड़ दिया था इसको. मुझे ज़ोर से फेंका मेरी तरफ और मैं पीछे हो गया और ये दीवार सर लगा और ये टूट गया जिसकी वजह से लीक होता है. ये नया है ये रामबा. ये अक्सर यूनिसेक्स है वैसे. ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ. ये काफ़ी कम भी हो गया भाई काफ़ी बड़ा कम भी है. और ये आज मैं लगाने लगा हूँ ये वाला. जी हाँ ये वाला परफ्यूम काफ़ी प्यारी खुशबू है. ऑब्वियसली हिजरी अस्वद की खुशबू प्यारी ही होगी. आपको अभी सुना तो मैं सकता नहीं आपको लेकिन मैं लगाने लगा उस वक्त. मैं आपको दिखाता हूँ कि परफ्यूम लगाने का तरीका. मैंने ना 5 से 6 स्ट्रोक्स लगाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से. मैं आपको दिखाता हूँ अभी. मैं आपको जब लगाया बताने लगा था ना तरीका क्योंकि परफ्यूम कैसे लगाते हैं मैं कैसे लगाता हूँ अपना तरीका बताने लगा था. तो अचानक बीच में मिस मेरी मैथमेटिक्स की टीचर मिस पैनवर की कॉल आ गई थी. पेरेंट टीचर मीटिंग थी. मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी आज की. मुझे लग रहा था मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा जुमे की वजह से लेकिन टाइमिंग बाद मिल गया और बात करवा दी मैं से. अल्हम्दुलिल्लाह 95 ऑल गुड. आई एम वेरी गुड स्टूडेंट इन मैथ स्पेसिफिकली. आई डोंट नो व्हाई. सो अभी मैं परफ्यूम की तरफ चलते हैं. सो ये जो परफ्यूम जो मैंने आपको बताया था ये लगाने का मैं मेरा तरीका ये है कि 4 से 5 स्ट्रोक्स लगाता हूँ मैं. 1 2 मेरे मुंह में जा रहे 3 4 हल्के हल्के वाले लगा रहे हैं 5 6 एंड यहाँ पर कफ पे. हालांकि मैं प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैं नहीं हूँ. इसमें भी लगाता हूँ ये मैं एक्स्ट्रा लगाया था इसे मैं लगाता नहीं था. मैंने मैं जनरली ना जो सीखे स्कूल में अक्सर लगाते जाता हूँ वो मैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं लंबे कफ रखने की अनलेस इट्स अ वेरी फॉर्मल ड्रेस. मैं अब स्टोरी स्टार्ट था कि जो मैं सीखे लगाता हूँ ये वाला परफ्यूम ये वाला इसके 1 2 3 3 एक पीछे 3 5 दैट्स इट 1 2 3 4 5 ये वाला सीन होता है. वरना मैं वो इधर उधर नहीं लगाता क्योंकि जिस दिन एक्सरसाइज करनी हो ना मुझे पता हो कि आज इंटेंस एक्सरसाइज है तो मैं पीछे वाली कमर पे लगाता हूँ ताकि पसीने की बो ना आ जाए लोगों को थोड़ा सा फॉर्मल रहे बंदा अच्छा लगे. सो अभी मैं बाहें चढ़ा रहा हूँ. आई डोंट नो उर्दू इतनी मेरी ख़राब क्यों होती जा रही है. ऑब्वियसली जब हम इंग्लिश माशरे में इंग्लिश वगैरह बोलते हैं तो हमारे उर्दू पे काफ़ी असर आता है जो कि आया है. सो आई एम अ बिट कॉन्शियस अबाउट माई उर्दू बिकॉज मुझे लगता है कि उर्दू बोलना ही बेहतरीन ज़बान है और उर्दू में ही आपको कन्वर्सेशन करनी चाहिए घर में. और मानी की आवाज़ आ रही है मैं कोशिश करता हूँ मानी को ऐड करूँ इस वक्त लेकिन अभी नहीं हो सकता मुझे लगता है. Let's try. फिलहाल बारिश है तो कोई पता नहीं. मैं वो वैसे ही गब्बर वाला सीन कर रहा था और अभी निकल पड़े हल्की हल्की होने लग गई है. सो द टाइम में पहुँचते जाके बारिश से बच जाए.
नमाज वगैरह पढ़ के हम वापस के रास्ते पर निकल रहे हैं। हवा चल रही है, मैं भी ज़्यादा लपेट लेता हूँ। मज़ा आया पाकिस्तानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, काफ़ी अर्से बाद मैंने पढ़ी है। अभी हम घर पहुँच चुके हैं एंड नाउ वी आर गोना ईट एंड प्रोबेबली देयर वुड बी समोसास इंशाल्लाह। नगर दस्का बिहान। अभी सुबहान कह रहा मुझे कि मैच करो और पिच देखें क्या हालात हैं। वो कह रहा है कि पार्क चलते हैं और अगर पार्क गए तो आपको बोला सीन दिखाएंगे इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त खाना खा चुका है और पेट का मामला हो चुका है सेट है, जो आप हमारा प्रोग्राम बनाया है क्रिकेट खेलने का। लेट्स प्ले क्रिकेट एंड शो व्हाट वी कैन डू इन द गेम। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर मैच हो रहा हो तो ऑब्वियसली बॉल को टेप किया जाता है कि यहाँ पर पहले हम नहीं करते थे टेप। काफ़ी अर्सा मैंने टेप नहीं के साथ बॉल को नहीं खेला, लेकिन आजकल लास्ट टाइम जब ट्राई किया तो बहुत ही मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। तो अब हमारा प्रोग्राम बना कि यार टेप करनी चाहिए बॉल को। वैसे भी आज पिच वेट है, थोड़ी सी बारिश हुई है और खेलने के अंदर जान अटकी हुई है, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि टेप के साथ करते हैं ताकि मज़ा तो आए गेम का और बॉल सही बाउंस करे और फास्ट निकले। सो अभी बॉल लेने गए, मैंने सोचा नई बॉल ले किया, मैंने पंच लिया हुआ था 18 बॉल्स का आई थिंक वो बैग था, तो वो लिया था मैंने। अभी उससे क्या अंदर से 6 निकाली थी, आई थिंक 6 से 5 निकाली थी, वो अब 2 रह गई हैं, गुम हो गया थी शॉट्स बच के। सो अभी से क्या नहीं ला किया था कि जिसको नई को टेप करें, पुरानी को टेप करने में कोई अच्छा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बॉल पहले ही खिस चुका होता है और उसको बड़ा टेप करें ना। तो जनाब ये बॉल्स आ गई हैं, अभी मैं इनको खोल के एक अच्छा सा पीस निकालता हूँ, दो जो मैं आगे के लिए मैच के लिए सिलेक्ट कर लेंगे गेम के लिए। ये पीस बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है बॉल, इसको करते हैं सिलेक्ट और गाय को छोड़ते हैं भागने जाए। मैं टेप करने लगा हूँ इसको और टेप करके आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैच ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई ने एक पूरा ओवर का पूरा सेटअप लगाया है और अभी हम मैच खेलने के बाद अंदर जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी यार आज मूवी नाइट का प्रोग्राम बना है, तो बहरहाल आज मूवी देखने चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी मूवी देखती है और आपको भी दिखाता है नेटबॉक्स पर मूवी कैसे मिलती है। यहाँ पर उन्होंने मैच खेला और विकेट कोई लेके नहीं गया माशाल्लाह जी, ये देखें विकेट किसी ने उठाई नहीं हुई, वो अंधेरे में पता नहीं नज़र आ रही नहीं आ रही, मतलब ये तो ट्रॉली होती है फूड कार्ट कहते हैं इसे, कोई किसी को याद ही नहीं है। ये तो हालात होते हैं जीतने के बाद, इसको वापस लेके आते हैं और दोनों मुझे हंस पे है कि मैं क्या करूँ, मैं व्लॉगिंग करूँ गाइस। अभी अंदर इसको रखते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स। इस वक्त रात हो चुकी है और अराउंड 10 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मूवी लेने। सुबह आ चुके थे बाहर आई थिंक, अब हम जा रहे हैं मूवी खरीदने, मूवी खरीदने क्या रेंट करने जा रहे हैं, रेंट आपको दिखाते हैं क्या प्रोसीजर इसका। तो इस वक्त हमें सिटी मिल चुकी है, बॉक्स ले लिया और अभी मेरा बैकग्राउंड बड़ा गंदा है। सो अब घर चलते हैं, मेरे बालों की कोई हालत नहीं है, नेवर माइंड, और अब घर चलते हैं। आई फॉरगॉट टू डू समथिंग, रियली आई फॉरगॉट। जी मैंने इसको नीचे करना बोला था क्योंकि मैंने ऊपर किया था, सो इट्स माई ड्यूटी टू डू इट बैक एज इट इज़ वॉक बिफोर। तो अब घर चलते हैं अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में, कौन अब मुझे नहीं आता। लेट्स गो मैन, बैक टू माय मैन, वॉच द मूवी और हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
This request is to all the viewers that make sure to subscribe our vlog and keep supporting me on nowhere except Instagram, and I shall be making a lot of vlogs for you guys. I will be, inshallah. So thode dinon ke liye peace out. Aage birthday bhi aa rahi hai, so uske bhi acche vlogs aane wale hain. And yeah, keep quiet. Allah Hafiz.